फिटनेस के साढ़े तीन महीने हारमोनियम को पता चले कुछ बात कर रहे थे तब नहीं इधर सेटिंग मीटिंग हो रहा है। ये लोग कुछ लोग कहते हैं बोले पता है एक चीज हम पर्सनली शेयर करना चाहेंगे। माननीय मंत्री राणा रणधीर सिंह जी आए हैं, रिक्वेस्ट की जो मेन डोर है उनके लिए खोल दिया जाए। ऑल द सिक्योरिटी कंसर्न्ड पर्संस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द डोर एज द ऑनरेबल मिनिस्टर इज देयर। सो नाउ दीपक ठाकुर जी एक चीज बताएंगे कि अभी यहां पहुंचे हुए हैं, सारा लगा हुआ है सब कुछ, हमारे स्पॉन्सर्स लोग ये लोग अपना सहयोग दिए, हमारे राजनिवास वाले भैया जी हमारे जी नहीं बोलेंगे पहले हमारे बाबू भैया बाबू भाई हमारे राजकुमार भैया हमसे नाराज हो गए राजकुमार भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका वो लोगों नहीं छप पाया हमारे पास से, लेकिन जनरली जितना सपोर्ट होती है ना कसम से एकदम मतलब सीना चौड़ा हो गया, दिल गदगद हो गया। और यहाँ बैठे हुए हैं आप गाएंगे बजाएंगे, बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिएगा, नहीं लगे तभी बजा दीजिएगा, ठीक है। और हम वहां तक पहुंचे तो आपकी वजह से, आगे भी आप हमको जहां भी देखिएगा तो सब आप ही का कर्म है। हाँ तो हम वैलेंटाइन पर थे, कहां गए हो? एक सवाल वो हमसे पूछी थी वैलेंटाइन, आज से हम एक न्यूज बहुत देख रहे हैं, ठीक है, मतलब अब हो रहा है क्या कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किए तो न्यूज बन जा रहा है। और हम लोग भाई सीधा साधा देसी आदमी जो मन वो पोस्ट कर देते थे पहले, अब उतना ध्यान नहीं है भाई कि कुछ भी पोस्ट कर दोगे तो खबर बन जाएगा। अब जिंदगी में पाला बार अब घर से अब इसकी कोई बाहर से आ रहा है तो ऐसा ही एक सलून खुला हुआ था नया, बोले कि भैया आइए ना आपका फेस वॉश कर देते थे, गए फेस वॉश करवा रहे थे, अगला दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे फेसबुक तो उस पर दिखा कि सोमी आ रही है तो सज धज के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगा था जैसे हम सोलह सिंगार करके एकदम तैयार हो रहे हैं, ठीक है, पूरा एक तो सुहागर वाला रूप तो नहीं होता, लेकिन वैलेंटाइन डे है आप लोग बनाइए, हमारा वो दोस्ती वाला है। और कल का टिकट है सोमी का, ठीक है, बहुत तो क्या कह रहे थे कि 14 को वैलेंटाइन डे मनाई जाएगी, वैलेंटाइन डे ही मना लिया है, हम बड़ा डर डर के बुलाया भाई उसको, और 14 का टिकट नहीं 13 का कंफर्म किए कल ही निकल जाएंगे, जनता के दिमाग में कंफ्यूजन है। चलिए तो सुनाते हैं आप लोगों को कुछ, तो भाई साहब हमारे श्रीआई भी आएंगे वो भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, सोमी भी आएगी वो भी बातचीत करेगी, हम तो कर ही रहे हैं बात, बाकी आप लोग यहाँ आए इस ठंड में इतना ही, सबसे पहली बात आप लोगों को कान पकड़ के सॉरी, क्यों आप शहर वाले हैं हमारा और हम जानते हैं कि किसी का कोई इंतजार कर रहा था ना तो क्या मन जाता है काबिल का फजाक समझ रहा था, ठंडा में हमको बैठाए हुए यहाँ अपने एसी वाला घर में होगा कहीं लोग एकदम चिल मार के आएगा कि पूरा भीड़ आ जाता हूँ हीरो वाला एंट्री मारेंगे यही सोचते हुए आप लोग, लेकिन जेन्युइनली बताते हैं पटना में फ्लाइट लेट हो गया, फिर वहां से आते आते लेट, और श्रीशांत भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया, उनके बैक में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, फिर भी लेकिन वो बहुत मैनेज करके और रास्ता भी कहा था, फिर जाम लग गया और जहां से भी आ रहे थे लोगों को पता था कि सुशांत भाई आ रहे हैं और काफिला जैसे ही निकला तो फिर सब लोग घेर लिए, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, घर का बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है भाई, यही पर तो मेन पॉइंट है ताली बजाने वाला, भाई बजाइए ना,
यही पास में पैसा लगा रहता ना तो मजबूरी में बजाते हैं, यही पैसा खर्च करके आए हैं। चलिए समझ में नहीं आ रहा, इधर जा रहा है, उसको इधर घुमा दिया। देखिए ये गाना हमारा बहुत फेवरेट गाना है, कहीं भी ये गाना जरूर गाते हैं हम, और लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला इस गाने को। हमारे तबला पे है अनुज, एक बार ताली बजा दीजिए भाई के लिए। बहुत अच्छा तबला बजाता है जमुंदी, बहुत ज्यादा अच्छा तबला बजाता है, और सुनिएगा आप लोग को एकदम मिजाज गिरजर हो जाएगा। हमारे गिटार पे वासिफ भाई, एक बार इनके लिए भी Yeah.
तो ठंडा क्या पड़ गया हमारे भी माननीय मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। क्या सुशांत भाई बस आए हैं, निकल चुके हैं जेके से? हमें कितना टाइम लगेगा? आपके दीपक को मिलने जा रहा है 20 फरवरी को, 20 फरवरी को अवार्ड कलेक्ट करने जाएंगे आप पूरे बिहारियों के बदले अकेला, और वहां आप करेंगे आप लोगों को बेस्ट इंटरटेनर रियलिटी शो 2018 का पुरस्कार। और अभी फिल्म में भी आ रहा है तो पता नहीं बिग बॉस के अंदर जाते तो चेहरा थोड़ा जी पानी थोड़ा स्मार्ट हो गया तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग आपके लिए यही है, ये लड़का इसमें था तो वो भी आ रहा है। तो ये जो गाना है ना ये हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। हम बिग बॉस पे ऐसे ही नहीं गए, बहुत लंबा ऑडिशन ऑडिशन पे ऑडिशन। अब लोग पूछते भैया थोड़ा हमको बिग बॉस में जाना थोड़ा हमको बता दिया दो मिनट में, तो हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। हम ये गाना बिग बॉस से ही बनाए थे क्योंकि वहां पे चिरकूट और हम लोग भाषा में चिरकूट चिरकूट और कलम नहीं था, सोचना पड़ता था गाना। हम बिहार से हैं, एक मध्यम परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से कैसे वहां तक पहुंचे। और हमारा फेवरेट हमारे फेवरेट जो थे सलमान खान था, सबके होते हैं ज्यादातर हमारे भी थे। इंस्टाग्राम पर उनको इतना मैसेज किया और कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, हम अपना नंबर मैसेज करके उनको बोल यहाँ सब ठीक हो गया फोन कीजिएगा, जबकि जानते हैं उन्हें था कि कहीं मतलब लक कहीं अगर देख रहे हैं इसीलिए आई दीपक ठाकुर आ जाए। मेरा आईडी आई दीपक ठाकुर से है, आई दीपक ठाकुर आ जाए और कहीं मैसेज देख रहे हैं और जवाब दे दे। हम बोले उनको सर उनका जो भी फिल्म आता था उनका गाना हम मतलब गा के उनको भेजते थे। हम उस मैसेज में बोले कि सर आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमारे किताब का जिंद जो था ना वो आपका होता था सर पोस्टर, तो सर आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, तो अगर फ्री हो सर तो एक बार फोन कीजिएगा, आप अपना नंबर तो उनको दीजिएगा नहीं किसी के नंबर पर फोन कर दीजिएगा। गाना सुनाए उनको सब कुछ भेजते थे लेकिन रिप्लाई नहीं आता था। किस्मत और मेहनत का मिलन हुआ कि दीपक वहां पहुंचा, तो हमें गाना भी पूछते
परिवार क्यों, एक परिवार क्यों, एक लड़के की ये दास्तां कैसे उसने देखे सपने और कैसे पढ़ाया रास्ता है बिहार के परिवार के लड़के की ये दास्तां कैसे उसने देखे सपने और कैसे पढ़ाया रास्ता आप लोगों से हो रहा है, गाना बजाना सब कुछ चल रहा है। अगर हमारे गाने पे ताली नहीं बजाइएगा तो ब्रेकअप नहीं कहिया होता है।
ही होगा। जिन्होंने पैसे लगा के बड़े बड़े कैमरे खरीदे सर, प्लीज आप लोग थोड़ा सा बाकी स्पीड भी छोड़ दीजिए। देखिए आज कल पूरा फोकस पार्टी का जमाना है, आप टीवी पे गए और झूठा एक पर नहीं खाते तब फिर नहीं लगे, तब आप सेलिब्रिटी नहीं है, आपको एप्पल वाला खरीदने ही पड़ेगा। अगर आपको सेलिब्रिटी के मतलब उनके ऑर्डर में घुसना है तो वो मस्ट है, गाड़ी है वो फॉर्चुनर, तो मेरा तो गाड़ी मिला हुआ है, गाड़ी है भाई अपना 7000 नंबर, और कहीं भी मिलर में जाते हैं तो मिलर में अगर कहता है आप दीपक की गाड़ी से जा रहे हैं तो अपना काम चलना है, और जूठा पर भी होइए गया है तो आप पूरा एकदम अमीरी दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपकी बदौलत दिख रहा है, आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए कर दे भाई। सुना देते हैं ओके, तो थोड़ी देर के लिए मैं दीपक से समय जाऊंगी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट क्योंकि ये कर्टसी है, और हमारे बीच इस वक्त है मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट राणा रणधीर सिंह जी, तो एक बार जाऊंगी आप सभी से जोरदार तालियां से एवरीवन, जोरदार तालियां बोली थी ओके, तो यहाँ पर हमारे बीच पूर्व विधायिका वीणा देवी जी भी हैं, मैं चाहूंगी कि मैम आप मिनिस्टर साहब को बुके देकर उनका सम्मान करें, क्योंकि आज इस शाम में वो आए हैं, और उन्होंने प्लीज सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए, और क्योंकि आपके होने से इस पूरे इवेंट में चार चांद लग गए, एक बार चाहूंगी मैं जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के सभी गेस्ट के लिए। And I request Veena ma'am, वो मिनिस्टर साहब को बुके देकर सम्मानित करें। ये जो ओले जैसे गिरा रहे ना तर 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 करके बहुत गलत हो जाएगा, जोरदार तालियां हो जाएगी एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद सर आपसे चाहूंगी दो शब्द आप कहें हमारे युवाओं के लिए और आज के इस कार्यक्रम के लिए। कहा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और गुफ्तगू आपने सिखलाई है कि मैं गूंगा था आज बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। क्या बात है, क्या बात है भाई। मृणाल जी को और दीपक ठाकुर जी को मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, और जब अपने बिहार का लड़का, उत्तर बिहार का लड़का इतने मजबूती के साथ, इतनी बुलंदी के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करता है, और खास में युवा हो तो हम लोगों का 56 इंच वाला सीना तो इसे ही बहुत चौड़ा हो जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई मृणाल जी को और इस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के सभी लोगों को कि आपने इतना बढ़िया, शानदार, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, नौजवानों का कार्यक्रम है, और मैं उत्साह देख रहा हूं, और बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हैं, आज विधानसभा था, आज का बजट था, और युवाओं के बीच आज बोलने का अवसर है, तो आपको खुशी होगी जानकर कि 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बिहार की सरकार ने इस बार आपके लिए पारित किया है। मित्रों ये बड़ा बड़ा अंतर है, आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि 2005-06 में
2003-4-5 में ये बजट केवल 23,000-24,000 करोड़ का होता था, लेकिन हम लोगों ने एक लंबी यात्रा तय की है और ये बजट 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पास हुआ। ये बदलते बिहार की तस्वीर है, ये बदलते मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। और इस बदलते बिहार में जो युवाओं के आंखों में सपना है, जो आत्मविश्वास मैंने देखा है दीपक ठाकुर के बातों में, और इतना बढ़िया परफॉर्म किया इन्होंने गैंग ऑफ बासेपुर, हम लोगों ने भी देखा। और तब मुझे नहीं पता था कि दीपक ठाकुर जी का उसमें गाना है, किसी मित्र ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मित्रों, आज के दिन आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना, भाई मणाल जी को और तृप्ति जी को मैं देख रहा था, इतने आत्मविश्वास के साथ अनाउंस कर रही थी चीज़ों को, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामना। और चूँकि कलाकारों की बात है, और ये सृषन जी को भी आ जाना है भाई, तो ये भी अच्छी बात है, आ गए हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखें, बढ़िया से भाई दीपक ठाकुर जी को सुने, सृषन जी को देखें, और पूरा आज की शाम को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आई जस्ट विश कि जो भी आपने सारी चीजें कही वो जरूर से जरूर हमारा बिहार एक दिन कुछ इस तरह कारनामा कर दिखाएगा कि पूरे देश में जाना जाएगा, अभी भी हालांकि जाना ही जाता है। थैंक यू सो मच सर इस इवेंट में आने के लिए, और यहाँ पर आकर मंच पर आकर जो आपने दो शब्द कहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद क्योंकि जब जितने भी जवरा गा रहे हैं वो कतई, मतलब आई रिक्वेस्ट गाइस प्लीज आप अपनी अपनी जगह पर चले जाएं, और क्रिया भाग्य बल दो सबको सेल्फी देंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो बैक टू योर प्लेसेस गाइस, प्लीज गो बैक टू योर प्लेसेस, प्लीज सर, प्लीज सब, प्लीज हम देंगे। मार्च में आएंगे
बारी बारी से सबको लेके आएंगे, एक दूसरे को छोड़ के, एक दूसरे को छोड़ के सबको लेके आएंगे बारी बारी से, क्योंकि सबसे पहला प्यार और ये इसलिए बना हुआ था प्यार. यहाँ ब्रेकअप वाला बात चला है, सपने
नहीं हो रहा था। अब देखो सी आई ए है, ये हमारा घर है, अरे प्लीज बाहर बाहर जो भी हमारे दर्शक है गेस्ट है उनको एक एक करके इंट्री दे दीजिए। सब सुन रहे हैं भाई, उनका भाई यहां पर जा रहा है, जो भी जेंट्स आएंगे उनका भाई यहां जा रहा है। बात बात आप लोग समझदार हूं भाई, भेज दीजिए अंदर एक एक करके, भगदड़ में बच्चे भीड़ में है, एक एक करके सबको एंट्री दे दीजिए, सब आ जाए अंदर। और इम्पोर्टेंटली मैं आप सभी से चाहूंगी, क्योंकि सोमी खान श्रीचंद वो था है फाइनली, ढलकने बढ़ रही है दीपक नहीं, चलिए ज्यादा बातों को आगे नहीं बढ़ाती, तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार गूंज हो जाए तालियों की, ताकि जहां पर अभी वो इस वक्त बैठाए गए हैं सतम्बार वहां जानी चाहिए। आप लोग तैयार हो, पूरा भोपाल दिखना चाहिए इसी भाई को कि कहाँ आए हैं, मुजफ्फरपुर की धरती पे आए हैं, और ये उनका बर्तन है कि छोटे भाई के लिए इतना कष्ट कर जाए। कसम से बोलते हैं भाई, बहुत लोग बिलिंगबाजी करता है ठीक है, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर और बाहर आने को पहचानता ही नहीं है किसी को ठीक है। और सबसे पहले आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे शीर्षक भैया के लिए, हम इनको लेके आ रहे हैं और एकदम एकदम ताली बजते रहना चाहिए भाई, ताली बजते रहना चाहिए। Let's go.
is a sin. बिहार कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सोमी
बहुत ज्यादा एनर्जी है यहाँ के माहौल में, मुझे देख के बहुत ही ना ठंड में भी गर्मी लग रही है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है बिहार। और एक बार आई हूँ और बार बार आऊंगी यहाँ का माहौल देख के, यहाँ का अपना बन देखे। बैट रिली नाइस श्री, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? मुझे ना खड़े होकर पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर आ गया हूँ, क्योंकि छोटा भाई है मेरा और बहन भी है साथ में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब आप सबसे इतना, आप सबका इतना 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 प्यार। और यस, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सोनू भाई, सब सोनू भाई मैंने बड़े बड़े बोल दिए हैं, सोनू भाई एक बार हाई तो बोल दो सबको, इनके लिए ताली है यार, मेरे भाई है, भाई एक छोटा भाई से बड़ा दिखता है। और मैं इतना बोलूंगा, आप लोग इतने इतनी पेशेंस के साथ वेट किया, मैं बोलूंगा हम लोग वेट कर रहे थे सोमी के कपड़े के, ठीक है? कहानी है ये। अरे सच में सोमी जी ने पटना में शॉपिंग किया था और बिल्कुल जोरदार नंबर वन सलवार दीपक जी ने खरीदा था, गिफ्ट दिया था, तो मगर वो स्टाइलिश ने इधर आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम लोग पहले निकल गए थे, तो आप लोग बड़ा इंतजार किया, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इंतहा हुआ मगर फिर भी बहुत अच्छा लगा। इनका हिंदी जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ को आप जानते हो कि भुवनेश्वरी जी, थैंक यू, तो बहुत अच्छा लग रहा है राके, और ऐसा लग रहा है सीरियसली इट्स अमेजिंग। और जो गाना दीपक जी ने बनाया है और यू नो इट वॉज वेरी इमोशनल, और मगर मेरी वाइफ के बारे में भी मैंने लिखा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस अवसर में एक और बात बोलना चाहता हूँ, वो मैंने बिग बॉस में बोला था, सबको लोग क्या यार सबको बता रहे हो, सबको प्रॉमिस देते हो, नहीं करता, मैं उनमें वो सेलिब्रिटीज में नहीं हूँ, तो मैं आप सबके सामने ये बोल रहा हूँ एक और बार, इनका जो गाना, जो दो तीन गाने मेरे लिए और मेरी फैमिली के ऊपर बने थे, मैं आप सबके सामने खरीदूंगा आज, तो पैसे की रकम नहीं बोलूंगा, रकम बहुत अच्छा रकम है, ऑब्वियसली आगे जाके मुजफ्फरपुर का नाम बहुत बहुत ऊंचा करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं तो सिर्फ एक नमूना हूँ, इसके साथ अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले जय माता दी, आप सब बहुत बहुत सेलिब्रिटीज भी देखेंगे। एक चीज बोलना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं श्री भैया जिन्होंने वही बात कहते हैं कि बिग बॉस के अंदर बाहर से प्रसन्नता बनी रही, कौन हम अपने हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है और एक बुलावे पे आया बहुत, और बहुत लंबा सफर पटना से यहाँ, समझ रहे हैं एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है यहाँ, अरे कोई बात नहीं आगे आ जाएंगे। और एक 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 लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूजा कीजिए, नमाज कीजिए, एक अगरबत्ती श्री भैया के नाम के लिए खोसिए, इनका जो सपना है वो पूरा हो, इनका क्रिकेट इनको वापस मिले। थैंक यू, थैंक यू, एक और वर्ल्ड कप का कैच मिले। और हमारे मंत्री जी आएंगे और बीना बीवी आंटी, नमस्ते नमस्ते, ये बहुत बहुत शुक्रिया बीना आंटी और निरुपमा दीदी, ये हमारे सम्मानित करेंगे हमारे श्रीशांत भैया को और सोमी खान को। अब आप सोमी खान से बात कीजिए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा
जितने भी मंच के लोग हैं उससे मेरी दरख्वास्त है, प्लीज प्लीज मंच को खाली करें, प्लीज प्लीज मंच को खाली करें, 10 बज रहा है, शो को समाप्त करने के लिए जाना है, प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, हमारी जो गेस्ट है उन्हें थोड़ा समय दे आप लोग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो डाउनस्टेयर्स प्लीज एवरीवन। हेलो प्लीज पीछे चले जाओ, अरे पीछे आने को बैठा है कि नहीं दिखाई देगा। ओके सो सभी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू जस्ट प्लीज टेक योर सीट प्लीज। अभी चलो थैंक यू अब वक्त इस बात का शुरू होता है कि आपने ऑन स्क्रीन तो देख ही लिया है इन तीनों ही स्टार्स को, दीपक को तो आप बहुत करीब से जानते हैं, अब वक्त है सोमी को जानने का और साथ ही साथ श्रीसंत है हमारे साथ उन्हें भी जानने का, तो क्या आप तैयार हैं उन्हें जानने के लिए और ज्यादा? ये बच्चे में बहुत तेज हो जाते हैं, तैयार हो? चल लो जी, फॉर्मेशन ग्रैंड हो चुकी है और अब हम शुरू करेंगे एक कॉन्वर्सेशन राउंड, एक छोटा सा टॉक शो फिर से थे हमारे साथ यहाँ पर, और सोमी भी है हमारे साथ, तो क्या चाहते हैं मतलब एक करके देखो यार, मतलब कलेक्टिवली आदत है एक हाथ बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके श्री, सबसे जरूरी बात आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपकी लव स्टोरी अनडाउटेडली वेरी इंस्पायरिंग, आपकी लव स्टोरी में चाहूंगी कि आप सबको बताएं और एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं लोगों को मिले उसे सुनकर। मेरी लव स्टोरी है सिर्फ 10-15 मिनट में नहीं बोल सकता, मगर मैं इतना बोलूंगा भगवान कृपा है अगर मेरी शादी किससे हुआ, और मैं बोलूंगा मेरी वाइफ का नाम भुवनेश्वरी है और मेरी कुलदेवी भी है, तो इट्स डेस्टिनी। प्यार से ज्यादा आई थिंक इट्स किस्मत जी, तो लव स्टोरी ये है कि मेरा किस्मत है, मेरे सौभाग्य है कि ऐसा पत्नी जी मिला और उनके कारण बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई थिंक शिव शक्ति तब होता है तो शक्ति हमारे साथ होते हैं, तो मेरे लिए वही शक्ति है। बिल्कुल, और वो सपोर्ट हमेशा देखने को भी मिला है, ऑफ स्क्रीन हो ऑन स्क्रीन हो या जिस तरह से वो आपके साथ हमेशा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह खड़ी रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए। सो श्री कैसा लगा आपको बिहार हमारा, और दीपक आपके लिए क्या है एग्जैक्टली? दीपक क्या है? दीपक
मेरे वाइफ से जब आया था बिग बॉस के घर पे, मेरे वाइफ ने भी बोला था कि ट्रिपल जाए कुछ भी हो जाए, टास्क टास्क की साइड में है और आप श्रीशांत जी के लिए हमेशा छोटा पे रहेंगे। और सिर्फ उसके बारे में उन्होंने अभी बोला इतना दूर आया वगैरह, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा आप सबसे कि अगर आप भी बच्चे आएंगे ना, कोई अगर आप मेरे बड़े छोटे भाई माना और बड़े भाई माना तो ये भी आएंगे कुछ भी वापस, बच्चे आए ही नहीं बिल्कुल आएंगे। सोमी आप उनके साथ आएंगे? आपकी बुलाने पे आऊंगी। ठीक है। ओके, तो श्री आपका जो पूरा की जर्नी रहा, आपने क्रिकेट में आए, फिर एक हीरो ऑब्वियसली आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। एक मिनट, ये स्टेज के सामने से सारे बैठ जाओ ना प्लीज, आगे आपके पीछे जो खड़े हैं प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज आप लोग स्टेज के सामने से हट जाएं भाई लोग प्लीज। ओके, तो बैक टू श्री, एक वो इमेज आपकी हीरो, ऑब्वियसली यू आर हीरो। जब मैं भी आपको टीवी पे देखती थी, मैं छोटी थी हालांकि थोड़ी, लेकिन बहुत पसंद करती थी आपको, और मुझे वैसे पता नहीं क्यों हमेशा से बॉलर्स बड़े पसंद आए। तो एक बार एक बहुत अच्छी इमेज आपकी उस वक्त पे, कुछ उतार चढ़ाव जिंदगी में हमेशा आते हैं, अब वापस आप एक हीरो बनकर उभरे हैं बिग बॉस के बाद, कितना चेंज आप महसूस कर रहे हैं, अब लोगों का नजरिया आपकी तरफ जो उनका बिहेवियर है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आखिर जब क्रिकेट खेलते तो टेक टू नहीं होता था जी, और बिग बॉस हाउस में भी टेक टू नहीं होता था, तो मेरे लिए थोड़ा बिग बॉस इजी था। दो हफ्ते के बाद तो मेरे लाइफ का नजरिया यही है कि जो भी करना है सच्चे दिल से करो जी, और कोई एक्टिंग मत करो, सारे जो मुखौटा वो डालना नहीं है, सीधा जो मन पे है मैं बोलता रहता हूँ, और भगवान कृपा से ऐसा ही हूँ, और भगवान जी शुक्र है कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलने को मिल रहे हैं और आगे जाने के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल श्री, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, घर पर आप थोड़े से गुस्से में रहते थे, हमेशा मैं घर पर नहीं आना बोलूं, बिग बॉस आप सब सुन लो, आप बिग बॉस में सिर्फ एक घंटा दिखाते हैं आप सबको, जो कैरेक्टर वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाता है, तो शायद आपने खतरों के खिलाड़ी देखा होगा मैं हूँ, जैसे इन सबको पता है, यस गुस्सा तो आता है अगर कोई अपना पर्सनल और फैमिली के ऊपर आया तो गुस्सा तो आएंगी, और मैं तो इतना बोलूंगा कि भगवान कृपा है, जो भी है लोग ने पसंद किया क्योंकि मैं रियल था, तो शायद उसके कारण शायद दीपक भी क्लोज हुआ, सोमी भी मुझे श्री बुलाता है। जब क्योंकि भुवनेश्वरी इज वेरी स्मार्ट, शी इज अगेन वेरी टॉकेटिव एज वेल, तो आपकी जब फाइट कभी कभार होती होगी ऑब्वियसली, जीतता कौन है, आप या वो? नहीं वो मेरे से जो भी किस किस ने सबने जो शादी किया हाथ उठाओ प्लीज यार, सबने शादी शुदा है हाथ उठाओ हम कोई नहीं शादी किया अभी, मैं दिख रहा हूँ लड़का बहुत स्मार्ट वाला। ओके ठीक है, शादी किया लो तो पूछना, अपनी बीवी का सारे सुनते हैं, होम मिनिस्टर वही होता है, अगर घर पे कोई मिनिस्टर है तो सिर्फ अपनी बीवी जो होते हैं और रेस्पेक्ट है। सो सोमी अगर आपकी शादी हुआ तो आपका पति को आप सुनाएंगे कि वो आपको सुनाएंगे, मतलब आप सुनेंगे? मैं चाहूंगी कि वो सुने मेरी। अरे यार रखना है सब आप सपना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ श्री, एक वर्ड मैं आपको बोलूंगी उस पर आपके क्या विचार है, क्या साथ में करेंगे फास्ट टाइम सच नाउ, तो श्री से शुरू करें श्री दीपिका। भुवनेश्वरी माई जान माई विल माई एवरीथिंग माई वर्ल्ड, जान माई एवरीथिंग माई वर्ल्ड, वो भुवनेश्वरी तो आप गरीब में गाना बनाए थे बिग बॉस की वजह से ही शायद बहुत जो परेशानी हो बाहर आया बाहर अपना, तो सारे जो भी है रियल है, तो आई थिंक बिग बॉस इज
बिग बॉस जी डबल जी बी आई डबल जी 12 सीजन में बिग बॉस बाहर ने जैसे 12 सीजन खत्म हुआ बिग बॉस बाहर की तरह मैं हूँ बिग बॉस जी जो जो पीछा जो आवाज थे तो आप समझ सकते हो बिग बॉस गुस्सा दो उसके ऊपर सो श्री इंस्पिरेशन एवरीथिंग इन लाइफ आई थिंक माई इंस्पिरेशन इज माई फैमिली है माई फैमिली स्ट्रेंथ चाहे कोई भी मैं फैन को कभी फैन नहीं मानता मैं फैमिली मानता हूँ क्योंकि स्ट्रेंजर्स आर पीपल हू हैव नेवर मेट आई बिलीव जो भी है आई थिंक इट्स ऑल फैमिली बिल्कुल थैंक यू सो मच श्री और इसके बाद सोमी की बारी है पहले बड़ी मुश्किलों से आई है सोमी पता चला पहली फ्लाइट गलती से छूट गई उसके बाद दूसरी फ्लाइट सारी खबर है सब कुछ होने की माइनस पॉइंट है बिल्कुल और उसके बाद फिर अच्छा एक चीज है सोमी फिर आपको बैग भी छूट गया ये भी पता चला हमें शॉपिंग भी आपने पटना से की शॉपिंग के कपड़े भी नहीं मिले थे मैंने शॉप किया चलिए कोई बात नहीं तो सोमी आपसे शुरू करते हैं पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हैं आप श्रीशांत से पूछिए मैंने सच में ऑयल बनता मगर शायद पूरा डिनर शाम को डिनर तो नहीं आ रहा है हाँ, सी, सी। जी बिल्कुल तो कभी आपने सपने में सोचा था कि आपको मुजफ्फरपुर आना होगा आपका हाँ जब बिग बॉस में गई और दीपक से मुलाकात हुई दोस्ती हुई तो मैंने सोचा था कि इनकी बहन की शादी होगी तो इंशाल्लाह आना होगा लेकिन इससे पहले आना होगा ये बिल्कुल अच्छा सुमी एक बात बताइए अब आपकी क्या फर्दर फ्यूचर प्लान्स हैं अभी हमारा एक एल्बम शूट है इस मंथ के बाद आगे टीवी एंड बॉलीवुड में ही आने वाला है बहुत अच्छी बात है इसके बाद क्या कोई टीवी शो वगैरह भी प्लान करें आप लगिए हमारे हिसाब से ना समय का पारा है और आप लोगों को दर्शन करवा दिए हैं ठीक है फिर दोबारा आएंगे भैया और थैंक यू मुजफ्फरपुर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू लव यू ऑल लव यू एक इधर आ जाइए सुनिए I request everyone, please, आप लोग सही से नीचे चले जाएं। प्रेस 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 सब प्लीज नीचे से ले लीजिए प्लीज गाड़ी में सुनो ना गाड़ी में गाड़ी कौन बना कौन बना अजय बजा के सुनो जल्दी जाओ घरे घरे पहुंचो जल्दी अजय बाबा व्यवस्था करके रखो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज आप लोग सीट से नीचे चले जाए प्लीज अच्छा आप लोग कितने हैं Okay, so finally, because as we have expected to cooperate with you all guys, please, abhi bhi I request ki aap wo cooperation bana kar rakho. Upar hai upar.